अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी। यार आज मैं आपको बेस्ट गेमिंग फोन्स बताने वाला हूँ, स्पेशली 60 FPS पबजी वाले फोन्स। तो गेमर्स काफ़ी डिमांड कर रहे थे वीडियो के लिए, बट क्या करें, सिचुएशन आपके सामने ही है। हालत बड़ी पतली सी चल रही है और इम्पोर्ट फिर से बैन है स्मार्टफोन की, पहले बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस भी हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि चीज़ें कहाँ पे निकल के जाएंगी। और अगले 3 से 4 मंथ में आपको सजेस्ट करूँगा कि कोई भी बॉक्स पैक फ़ोन मत लेना, क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा ओवर चल रही हैं। पैसे लगाना उन पे पैसे वेस्ट करने के बराबर है, तो पैसे वेस्ट ना करो, फिर भी अच्छी जगह पे आप लगा सकते हो। यूज्ड फोन, किट फोन, जिंदा पा, जहाँ पे अच्छी वैल्यू मिलती है वहाँ पे आप लगाओ। तो मार्केट ना इस टाइम पे पाकिस्तान की फुल बंजर सी हुई है, लेकिन डोंट वरी, आज गेमिंग फोन्स की बारिश होने वाली है, बारिश। और अगर आप इस वीडियो पे लाइक्स की बारिश कर दोगे तो मैं थोड़ा सा इन्जॉय कर लूँगा इस बारिश को भी। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, बिकॉज आगे मैं और भी प्राइस लिस्ट जो है ना वो अपडेट करने वाला हूँ। तो इस मुश्किल सूरत हाल में भी आपको बेस्ट फोन्स मैं बताता रहूँगा। अब देखो, 25 से 27 की रेंज में अगर आप कोई अच्छा गेमिंग फोन ढूंढ रहे हो तो मुश्किल है, यूज्ड में आपको हो सकता है अच्छा फ़ोन में मिल जाए 40 FPS वाला, बट मैंने 60 FPS वाला आपको बताना है, और वो है सोनी एक्सपीरिया 1। अब ये फ़ोन, इसको मैं रिव्यू भी कर चुका हूँ, इसके फीचर्स यहाँ पे स्लाइड में मैंने लिख दी हैं, वो आप देख सकते हो। स्नैपड्रैगन 855 का चिपसेट है और ये नॉन PTA में आपको फ़ोन मिलेगा। तो अगर आप एक ऐसे यूज़र हो जो सिम नहीं चलाना चाहता, वाईफाई टाइप गेमिंग करना चाहते हो और अच्छी गेमिंग चाहिए, 60 FPS का ये आपको प्रोवाइड करेगी। OLED डिस्प्ले है, ग्राफिक्स वगैरह भी ठीक आते हैं, 60 FPS का गेम प्ले बहुत अच्छा मैनेज कर लेता है। बाकी डिटेल्स मेरे रिव्यू में अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हो। हाँ, बट एक चीज़ और मेंशन कर दूं कि अगर आप कोई भी यूज फोन या किट फोन अगर आप OLX पे जाके देखते हो ना, ठीक है, बाय करना बुरी बात नहीं है, बट वहाँ पे फ्रॉड बहुत ज़्यादा चलता है। तो ये चीज़ आप देख लेना, कोई भी बंदा एडवांस पेमेंट मांगे या बहुत ही उसने कम प्राइस में आपको फ़ोन दे रहा है, गोलियां करवा रहा है, TCS पे पेमेंट मांग रहा है, तो बिल्कुल नहीं देनी, वो फ्रॉड है। जो भी फ़ोन पसंद आता है बंदे को, फ़ोन करो, टाई अप करो, मौके पे जाओ, देखो, चीज़ लो और पैसे दो, सिंपल इज़ दैट। और बजट रेंज में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ यूज्ड फ़ोन या कुछ ऐसे किट फोन्स को एक्सप्लोर किया जाए जिसके ऊपर अच्छी गेमिंग आपको मिलती है। तो आने वाले कुछ दिनों में आपको चैनल के ऊपर इस कैटेगरी में कोई 20-25 हज़ार रुपये के अंदर कुछ किट फोन्स की मजीद वीडियोस मिलेंगी। अगला जो गेमिंग फोन है मेरी लिस्ट में, उसके लिए आपका बजट कोई 42 से 45 हज़ार रुपये के अंदर होना चाहिए, गेमिंग बहुत अच्छी देगा, फ़ोन है OnePlus 7T। अब इस फोन को मैंने रिव्यू भी किया हुआ है चैनल पे, वहाँ पे सारी डिटेल्स में गेम प्ले, कैमराज, ओवरऑल कहाँ पे चीज़ें निकलती हैं वो सारी दी हुई हैं, यहाँ पे भी मैंने फीचर इसके लिख दी हैं। बैटरी थोड़ी सी छोटी है, लेकिन एक अच्छा गेम प्ले आपको इस फोन में मिलता है, और बैटरी का बैकअप भी काइंड ऑफ डिसेंट ही मैं कहूँगा। और थोड़ा सा हीट कर जाता है गर्मियों में, अभी सर्दियों के 3-4 मंथ मतलब चलेंगे, सही गुजारा कर जाएगा। 90 FPS तक जाता है, अलग बात है 75 से 80 के दरमियान फ्लक्चुएशन होती रहती है, बट 60 FPS का एक अच्छा गेम प्ले आपको देता है, और UI भी सही चलती रहती है। अगर आप 42 से 45 लगाते हो, पैच में ये फ़ोन आपको मिलता है, तो पैच इसका उड़ता नहीं है रीसेट करने से, ये चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हुई हैं। OnePlus 7T आप ले सकते हो गेमिंग के लिए। अब देखो, 40 से 45 की रेंज में एक ऑफिशियल फ़ोन है पाकिस्तानी मार्केट का सॉलिड गेमिंग के लिए जाना जाता है, बट उसको मैं स्किप कर रहा हूँ। फ़ोन है Poco X3 Pro, रीज़न है उसको स्किप करने का, काफ़ी कंप्लेंस आ रही हैं जो यूज़र यूज़ कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी डेड वाले जो सीन्स हैं वो स्टार्ट हुए हैं। तो मैं नहीं चाहता कोई यूज़र ऐसा हो जिसने पैसे इकट्ठे किए हों बड़ी मुश्किल से, वो जाके Poco X3 Pro को ले ले और अगले दिन कोई अपडेट आए या वैसे ही वो फ़ोन डेड हो जाए, तो नुकसान ज़्यादा। बेटर यही है Poco X3 Pro को अभी आप अवॉइड करो और ऑप्शंस देख लो। अगला गेमिंग फ़ोन बड़ा तगड़ा फ़ोन है भाई, LG V60 आप ले सकते हो। अब ये भी फ़ोन किट्स की शक्ल में आता, बाहर से ऑफिशियल फ़ोन LG के लॉन्च नहीं होते, और LG वैसे ही स्मार्टफोन इंडस्ट्री को टाटा बाय बाय कह गया हुआ है, फ़ोन्स नहीं बनाता, लेकिन जितने बना दिए ना काफ़ी अच्छे हैं। अभी ये मेरे पास V60 पड़ा हुआ है, इसको मैं कुछ दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ रिव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, गेमिंग मज़ा आया मुझे, बाकी फीचर्स भी बड़े तगड़े हैं, OLED डिस्प्ले भी है, और LG के और भी बड़े फ़ोन्स हैं जो मैं आगे आपको रिव्यू देने वाला हूँ, काफ़ी डिमांड आती है। LG V50 हो गया, G8 ThinQ हो गया, मतलब बहुत सारे इन लाइन है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, वो वीडियोज़ मिस ना हो। 60 FPS का बहुत अच्छा गेम प्ले मिलता है इसके ऊपर, डिस्प्ले क्वालिटी सही है, और बैटरी भी तगड़ी है, और बैकअप बड़ा मज़े का है। ऑल्दो डिस्प्ले भी 60 Hz का है, तो वहाँ से भी थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है। तो गेमिंग के लिए गैस है ये फ़ोन। अगला फ़ोन मेरी लिस्ट में MI 10T। अब ये काफ़ी पॉपुलर फ़ोन रहा है पाकिस्तान में, ऑफिशियल लॉन्च भी हुआ था दिसंबर 2020 में, आज के टाइम पे 2 साल होने वाले हैं, और यूज्ड में ही आपको मिलेगा, न्यू में नहीं मिलता। इस फ़ोन की प्राइसेस कम नहीं हुई भाई, जब ये आया था तब भी इतनी थी, यूज्ड में भी इतनी मिलती रही हैं, बिकॉज इस टाइम पे Xiaomi थोड़े सस्ते नशे में पड़ गया है, आजकल जो हालात हुए हुए हैं, इवन हर ब्रांड के ये हालात हुए पड़े हैं। तो इसमें स्नैपड्रैगन 865 का चिपसेट है, तगड़ी गेमिंग, 90 FPS तक जाता है बाय द वे ऑफिशियली, वो अलग बात है 90 FPS थोड़े बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, बट 60 FPS एक स्टेबल गेम प्ले देता है आपको,
और अच्छी गेमिंग कर सकते हो, बैटरी बैकअप भी अच्छा मिल जाएगा, डिस्प्ले 144 हर्ट्ज़ का है, बट ये IPS पैनल है। हाँ, टच रिस्पॉन्स, जो डिस्प्ले की फ्लूडिटी है ना, वो बहुत अच्छी है। तो MI 10T 8 128 GB वाला वेरिएंट आपको मार्केट में 55 से 60 के दरमियान कहीं पे अच्छी कंडीशन में आज भी मिल जाता है विद बॉक्स एंड एक्सेसरीज। बाय करो, वारंटी नहीं मिलती, कोई मसला नहीं है। OLX पे इस फोन को लेके फ्रॉड भी चल रहा है, काफ़ी कम प्राइस पे डील लगी होती है, लालच में लोग फंस जाते हैं। तो ये लालच वाला फैक्टर आपने, मतलब इसको निकाल देना माइंड से। जो भी फ़ोन है मौके पे जाके परचेज करना है, ऑनलाइन पेमेंट ना देना, फ्रॉड हो जाएगा, चूना लग जाएगा, फिर बता रहा हूँ आपको। अगला फोन मेरी लिस्ट में सॉलिड गेमिंग के लिए Poco F3 आप ले सकते हो। यूज्ड में आपको मिलेगा, दो वेरिएंट्स हैं, 8 to 56, 60 से 65 के आसपास। 6 128 वाला, ये कोई 50 कह रहा हूँ, 60 से नीचे थोड़ा मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, मार्केट कहाँ से आप ले रहे हो इसको। OLX पे ले रहे हो, थोड़ा एहतियात कर लेना, बार बार आपको मैं कह रहा हूँ। स्नैपड्रैगन 870 भी है, तगड़ी परफॉर्मेंस भी है, एक 60 FPS का सॉलिड गेम प्ले भी आपको मिलता है, एक स्टेबल गेम प्ले मिलता है, और AMOLED 120Hz भी है, कैमराज भी ठीक है, बैटरी का पैकेज भी सही है। तो हाँ, प्राइस जितनी अच्छी मिल जाए, आज के टाइम पे जो सिचुएशन है, इस फोन को लेना ज़्यादा बेटर है बजाय इसके कि पैसे वेस्ट करना बॉक्स बैक फोन्स पे। तो हाँ, गेमिंग के लिए ले सकते हो। और अगला फ़ोन भी बड़ा सॉलिड फ़ोन है भाई गेमिंग के लिए, डिवाइस है Motorola Edge Plus। अभी ये फ़ोन मैंने रिव्यू किया भाई चैनल के ऊपर, एज ए किट फोन ही आता है, ऑफिशियल नहीं आते Motorola के फ़ोन। तगड़े फीचर लेके आता है, स्नैपड्रैगन 865 का हार्डवेयर है, 12 GB असल वाली रैम है, वो लॉलीपॉप वाला फैक्टर नहीं है उसमें, 256 GB स्टोरेज भी है। हाँ, सिंगल सिम होते हैं ये फ़ोन, ये चीज़ आप देख लेना अगर ड्यूल सिम चलाते हो, और ऑफिशियल PTA में ये फ़ोन मिल जाता है, मतलब 65 से 70 के दरमियान अच्छी कंडीशन वाली अगर आप किट लेते हो किसी ट्रस्टेड दुकानदार से, तो एक अच्छी वैल्यू, एक अच्छी परफॉर्मेंस, गेमिंग आपको अच्छी निकाल के देगा, 60 FPS अगर पबजी स्पेशली खेलते हो। कर्व्ड वाला OLED पैनल भी है, एक प्रीमियम सी फील के साथ आता है ये फ़ोन, 90Hz के ऊपर चलता है, बैटरी भी बड़ी है, मज़े की बैटरी बैकअप मिलता है। हाँ, चार्जिंग थोड़ा सा कौन है, 15 या 18 वाट की चार्जिंग है, तो चार्जिंग थोड़ा टाइम लगाती है, बट अगर इस पे आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हो, सिंगल सिम फोन चलाना है, ऑफिशियल PTA में किट जिसके फीचर्स अच्छे हों, गेमिंग अच्छी मिले, तो Motorola Edge Plus आपके लिए अच्छा फ़ोन हो सकता है। उसके बाद आप ले सकते हो Xiaomi 11T को। अब ये भी Xiaomi का एक अच्छा फ़ोन था, अभी न्यू में तो नहीं आता ऑब्वियसली, ये भी यूज्ड में ही आपको लेना पड़ेगा, कुछ 60 से 65 हज़ार रुपये तक इसका जो 8 128 GB वाला वेरिएंट है वो आपको मिल जाएगा। हार्डवेयर अच्छा है, Dimensity 1200 का हार्डवेयर है, गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी परफॉर्मेंस निकाल देता है, 90 FPS तक भी जाता है, बट जो Dimensity 1200 है ना, इसका 90 FPS उतना स्टेबल नहीं रहता जितना मतलब आपको स्नैपड्रैगन 865 MI जो 10T है वो दे देता है। हाँ, लेकिन 60 FPS का गेम प्ले अच्छा मिल जाता है, डिस्प्ले भी अच्छा है, AMOLED 120Hz है, 67 वाट की चार्जिंग भी है, एक अच्छा बैटरी बैकअप भी है, कैमरा भी डिसेंट है, बट कैमरा बहुत ज़्यादा मज़े के नहीं है, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है। अगर आप एक गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक डिवाइस लेना चाहते हो, तो Xiaomi 11T की तरफ भी आप देख सकते हो। उसके बाद मेरी लिस्ट में फ़ोन है OnePlus 8T, तगड़ी गेमिंग के लिए देख सकते हो इस फ़ोन की तरफ। इसके दो वेरियंट्स हैं, 8 128 GB और 12 256 GB, दोनों की प्राइसेज आ रही हैं, और ग्लोबल वेरियंट में ये फ़ोन लेना, डुअल सिम वाला, जो कैरियर वाले फ़ोन आते हैं Verizon का हो गया, T-Mobile, उनको थोड़ा अवॉइड कर लेना, वहाँ पे थोड़े से ऊपर नीचे फीडबैक रिपोर्ट हुए हैं, बट हाँ, ग्लोबल वेरिएंट मिलता है, अच्छी कंडीशन में मिलता है, पेपर किट मिलती है, ले सकते हो। PTA ऑब्वियसली पैच ही वाला होगा, लेकिन इनके पैच जो हैं वो ज़रा सही चल जाते हैं आगे रीसेट करने पे, या इस तरह के कोई इश्यूज़ नहीं आते अपडेट के साथ। तो एक अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी बैटरी, 65 वाट की चार्जिंग भी है, बैकअप भी ठीक है, और डिस्प्ले भी फ्लूइड AMOLED है 120Hz का, तो एक अच्छा पैकेज बन जाता है अगर आप 60 से 65 हज़ार रुपये की रेंज में इसके जो दो वेरियंट्स हैं ना कोई भी कंसिडर करते हो, अच्छी वैल्यू, अच्छी गेमिंग मिलेगी। देखो, OnePlus 8T को इंक्लूड कर लिया, OnePlus 9 को कैसे भूल सकते हैं। अभी ये भी फ़ोन सबसे सस्ती प्राइस में Snapdragon 888 ऑफर करता है। ग्लोबल वेरिएंट जो है इसका, कैरियर वाला नहीं, ग्लोबल वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, वो आपको 8 128 वाला 65 से 70, और जो इसका 12 256 वाला वेरिएंट है वो 75 से 80 हज़ार रुपये के दरमियान कहीं पे फॉल करता है, और एक अच्छी वैल्यू निकाल देता है। आजकल जो सिचुएशन बनी है ना, गेमिंग करनी है या हाई परफॉर्मेंस आपने इसको चलाना है, तो अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। पबजी 90 FPS पे तो नहीं जाती, अगर आप पबजी लवर हो, 60 FPS पे जाता है, एक अच्छा गेम प्ले निकालता है, डिस्प्ले क्वालिटी ज़बरदस्त है, फ्लूइड AMOLED 120Hz है, बैटरी बैकअप भी ठीक मिलता है, और साथ में 65 वाट की रैप चार्जिंग भी है, कैमराज भी बहुत मज़े के हैं, फ़ोन भी बहुत मज़े का है, पैच में मिलता है, बट पैच OnePlus के चल जाते हैं, आगे पीछे नहीं होता, ले सकते हो OnePlus 9 को। और अगला जो फ़ोन है मेरी लिस्ट में, दो फोन्स थे जिसमें से मुझे एक को इंक्लूड करना था, एक था Samsung Galaxy A52s और दूसरा था Realme GT Master Edition, बिकॉज दोनों फ़ोन्स को मैंने रिव्यू किया हुआ, दोनों को यूज़ किया हुआ, और गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बन रही है, तो इसमें से फिर मैं एक ही फ़ोन को इंक्लूड कर सकता, वो है Realme GT Master Edition।
बिकॉज ये मेरा इस टाइम पे पर्सनल जो डेली ड्राइवर है फ़ोन, वो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। गेमिंग 68 पे बड़े मज़े की निकालता है भाई, चिपसेट स्नैपड्रैगन 778G है, 5G है, ऑप्टिमाइज बहुत अच्छा है। हाँ, बैटरी थोड़ी सी निकल जाती है जल्दी से, 120Hz भी चल रहा होता है, गेमिंग भी चल रही है, लेकिन इसका जो 65W की चार्जिंग है ना, उसको प्लग करना है और बूम, और जल्दी से चार्ज हो जाता है। डिस्प्ले भी ठीक है, एमोलेड है, 120Hz के ऊपर चलता है, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन भी ठीक है, कैमराज भी काइंड ऑफ गुड हैं, मज़े का फ़ोन है। मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हो। ऑफिशियल फ़ोन लॉन्च हुआ था पाकिस्तान में, अगर यूज्ड में जाते हो तो इसका जो 8128 वाला वेरिएंट है वो कुछ 55-60 के दरमियान आपको मिल जाएगा, और जो ऊपर वाला वेरिएंट है वो थोड़ा सा 65 के आसपास चला जाएगा। ले सकते हो, अच्छा फ़ोन है, अच्छी गेमिंग करवाएगा। आईफोन लवर्स को मैं कैसे भूल सकता हूँ भाई, ये गलती नहीं मैं कर सकता। आईफोन XR आप ले सकते हो अगर आपको आईफोन लेना है गेमिंग के लिए। इसको मैंने रिव्यू किया है, उसके अंदर सारी डिटेल्स हैं, सारे गेम प्लेज हैं, मज़े का गेम प्ले है, काफ़ी बीस्ट परफॉर्मेंस है। फीचर लिख दिए मैंने इसके स्लाइड में, 64GB वाला नॉन PTA अच्छी कंडीशन में 50 से 53 हज़ार रुपये की रेंज में मिल जाता है, और थोड़ी सी हल्की कंडीशन होगी, पतली कंडीशन होगी तो 50 से नीचे भी मिल जाता है। फेस ID डिसेबल वाला और सस्ता मिल जाता है, उसको ना प्रेफर करना। तो हाँ, एक अच्छा फ़ोन है, 60 FPS का एक स्टेबल गेम प्ले मिलता है। बैटरी थोड़ा सा नंबर कम है, लेकिन ठीक है, आईफोन वाले मैनेज कर जाते हैं। चार्जिंग थोड़ा मैं कौन कहूँगा, चार्जिंग में थोड़ा टाइम लेता है, लाइक 2 घंटे से ऊपर चला जाता है चार्ज करते हुए। लेकिन आप आईफोन लवर अगर ये चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, गेम प्ले बहुत ज़बरदस्त है जी। एप्पल A12 बायोनिक चिपसेट का आईफोन XR बड़ा पॉपुलर आईफोन है गेमिंग के लिए, आज भी ले सकते हो। तो ये थे मेरी आज की लिस्ट के बेस्ट गेमिंग फोन्स, जो इस पतली सिचुएशन में, इस मुश्किल सिचुएशन में अगर आप लेना चाहते हो, आपको गेमिंग भी अच्छी करनी है, तो जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस थी मैंने आपको बता दी हैं। डब्बा पैक फ़ोन पे पैसे लगाने की गलती ना करना, 3 से 4 मंथ वेट करो, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि जो सिचुएशन है वो और बेहतर हो जाएगी, और हमें डब्बा पैक फ़ोन्स भी अच्छे फीचर्स के साथ अच्छी प्राइस पे मिलना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है ना, अभी तो सस्ते नशे चल रहे हैं उन फ़ोन्स के। तो हाँ, ये फ़ोन्स आप ले सकते हो। वीडियो के कमेंट्स में बता के जाना किस फ़ोन को बाय करने वाले हो, और अगर कोई फ़ोन मैंने मिस कर दिया लिस्ट में उसका भी ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबा लेना, ताकि फ्यूचर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो ये वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।